हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। हमारे इस वीडियो में हम आज 19 दिसंबर 2019 को आयोजित गांधी विचार संस्कार परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे 60 क्वेश्चन आए थे, उनके उत्तर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी जो विषय थी गांधी विचार संस्कार परीक्षा में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, 5वीं कक्षा में गांधी जी को प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 रुपए गांधी जी को छात्रवृत्ति मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में की गई थी? तो ये मेरे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि गांधी जी हमारा जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन बी नेटाल आश्रम, ऑप्शन 3 अहिंसा आश्रम और ऑप्शन 4 फिनिक्स आश्रम। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन 2 यंग इंडिया, ऑप्शन 3 नेटाल एक्सप्रेस, ऑप्शन 4 इंडियन ओपिनियन। तो सही आंसर है ऑप्शन 4, इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था वो गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का गांधी जी के जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए अनटू द लास्ट, ऑप्शन 2 बाबरनामा, ऑप्शन 3 इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन 4 यंग इंडिया। तो गांधी जी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था अन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा था। तो ऑप्शन एक सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक रोम, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 लंदन, ऑप्शन 4 वियना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पेरिस। जो एफिल टावर है वो पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर एफिल टावर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन एक 1869, ऑप्शन 2 1870, ऑप्शन 3 1889, ऑप्शन 4 1876। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। काबा गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक महात्मा गांधी के पिता। इसमें इसका हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, महात्मा गांधी के पिता को कब्बा गांधी के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के पिता थे जो मोहनदास करमचंद, उनको कब्बा गांधी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक डॉक्टर था गांधी जी के? इसमें से ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो गांधी जी के सहयोगी थे इनमें कौन डॉक्टर था? फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, प्राण जीवन मेहता और मगनलाल गांधी। तो गांधी जी के सहयोगी थे प्राण जीवन मेहता, ये डॉक्टर थे प्राण जीवन मेहता, गांधी जी के सहयोगी थे जो डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, 1916 में गिर मिटिया मजदूरों का मामला धारासभा में किसके द्वारा उठाया गया? तो जो विधानसभा थी उसमें, महाराष्ट्र की जो विधानसभा थी उसमें गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गिर मिटिया मजदूरों का मामला विधानसभा में उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिर मिटिया प्रथा के विरोध में गांधी जी ने पहला प्रार्थना पत्र कब तैयार किया था? ऑप्शन 1893, 1894, 1895 और 1896। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1894 को गांधी जी ने गिरमिटिया प्रथा के विरोध में प्रार्थना पत्र तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का इतिहास किसने लिखा था? चंपारण सत्याग्रह का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो हम जानते हैं कि चंपारण ये बिहार में है और बिहार में नील मजदूरों की समस्या के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। इसका इतिहास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि गांधी जी के सहयोगी थे बिहार के, उनके द्वारा चंपारण का इतिहास लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारपाल की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी जी जो चंपारण में आंदोलन कर रहे थे उस समय द्वारपाल की भूमिका किसने निभाई थी? इसका जो आंसर है
वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। इसमें दो महादेव देसाई सही है, कुछ पुस्तकों में महादेव देसाई दे रखा है और कुछ में जेपी कृपलानी दे रखा है। जहां तक है इसका सही आंसर दो है, महादेव देसाई ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। लाहौर में गांधी जी किसके घर ठहरे? लाहौर में लाला लाजपत राय, राम भजनदत्त चौधरी, लाला हरकिशन, हजरत मोहनी, यानी किसके घर पर लाहौर गांधी जी ठहरे थे? सही आंसर है 3, राम भजनदत्त चौधरी के घर पर गांधी जी लाहौर यात्रा के समय ठहरे थे। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस की अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? सही उत्तर है इसका, जो विशेष अधिवेशन हुआ था ऑप्शन 4, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। हम जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था गांधी जी के द्वारा और इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता के अधिवेशन में, इसके बारे में विचार किया गया था और नागपुर अधिवेशन में इसे स्वीकार किया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, विजय राघवाचार्य कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति थे। अगला क्वेश्चन, देश बंधु ने असहयोग के प्रस्ताव को पूरी तरह किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया था? जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया और नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, इसलिए हमारा 17वें का सही आंसर है ऑप्शन 2, नागपुर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता किस रियासत के दीवान थे? महात्मा गांधी के पिता बीकानेर, ऑप्शन 2 सही है, बीकानेर रियासत के दीवान थे। वैसे जो गांधी जी के पिता थे राजकोट में दीवान थे और वो कुछ समय के लिए बीकानेर रियासत में भी दीवान रहे थे, इसलिए गांधी जी के पिता के लिए ऑप्शन 2 सही है, बीकानेर रियासत के दीवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कांग्रेस का संविधान तैयार करने में गांधी जी की सहायता की थी? 19वीं का जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन 3, जेपी कृपलानी ने कांग्रेस के संविधान तैयार करने में गांधी जी की मदद की थी, ये क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? यंग इंडिया, इंडिया टूटे, सर्वोदय और बंदी जीवन। गांधी जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी यंग इंडिया, गांधी जी के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था और गांधी जी द्वारा जो लिखी गई बुक थी वो थी सर्वोदय। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 3 सही है, सर्वोदय गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। जबकि यंग इंडिया गांधी जी द्वारा लिखा गया समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक की पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया? गुजराती भाषा में गांधी जी ने किस पुस्तक का अनुवाद किया था? इसका जो क्वेश्चन है 21, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, जिससे गांधी जी प्रभावित थे, उसका गांधी जी ने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड जाते समय गांधी जी को किसके नाम सिफारिशी पत्र दिया गया था? यानी गांधी जी जब इंग्लैंड जा रहे थे तो किसके नाम पर किसके नाम सिफारिशी पत्र गांधी जी को दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से सिफारिशी पत्र गांधी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन है 23वां, किस फर्म का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ये थोड़ा सा क्वालिटी में मिस्टेक हो गई मित्रों, गांधी जी जो मुकदमा था दक्षिणी अफ्रीका लड़ने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है नेटाल की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन 3 सही है, जोहान्सबर्ग में नेटाल की राजधानी थी। गांधी जी को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा कहाँ से मिली?
इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, चंपारण बिहार से गांधी जी को सर्वधर्म समभाव की शिक्षा मिली थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बचपन से किस धर्म के प्रति अरुचि रखते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू धर्म के प्रति गांधी जी को शुरुआत में अरुचि थी। हिंदू जो धर्म है उसमें विभिन्न प्रकार के छुआछूत और इनसे संबंधित बातों के कारण गांधी जी को अरुचि थी। वैष्णव संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन तीन, हवेली, तीन सही है। वैष्णव संप्रदाय के जो जो मंदिर होते हैं उसमें मंदिर को हवेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका किस स्टीमर में बैठकर गए थे? गांधी जी इसका ऑप्शन दो सही है, कूरलैंड जो जहाज था उसमें बैठकर गांधी जी दूसरी बार अफ्रीका गए थे। ऑप्शन दो सही है, कूरलैंड जहाज। अगला क्वेश्चन है, हमारा दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? हम जानते हैं मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे और वहां पर लोगों को संगठित करने के लिए 1894 में गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो तीसवे का आंसर, फर्स्ट आंसर सही है, 1894। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की तिलक से प्रथम मुलाकात कहाँ पर हुई थी? महात्मा गांधी जी से जो तिलक है उनकी पहली मुलाकात, आंसर तीन, जो 31 का आंसर तीन सही है, मुंबई में पहली बार गांधी जी की तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनसे मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान क्या सिखाता है नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंदुस्तान क्या सिखाता पुस्तक ये लिखी थी मैक्स मुलर के द्वारा लिखी गई थी, जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे और इन्होंने अपना नाम भी बदलकर मोक्ष मुलर संस्कृत के शब्द से रख लिया था। तो हिंदुस्तान क्या सिखाता पुस्तक मैक्स मुलर की है, ऑप्शन तीन सही है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पर प्रस्ताव पास किया गया था? कांग्रेस का जो, इसका सही उत्तर है, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें खादी पर प्रस्ताव पास किया गया था, ऑप्शन तीन सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गांव की खादी प्रसिद्ध थी? तो जो एक गांव था कर्नाटक में, उस गांव का नाम नहीं दे रखा है यहाँ पर, वो गांव था कर्नाटक, कर्नाटक का गांव था, जो कर्नाटक का गांव है हम जानते हैं कि पोरबंदर गुजरात में है, चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में है। तो दो, बीजापुर की खादी प्रसिद्ध थी, जो गांव का नाम है वो बीजापुर में स्थित है, इस कारण बीजापुर इस चौतीसवे का सही उत्तर है, चौतीसवे का सही आंसर ऑप्शन दो बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की गंगाबाई से पहली मुलाकात कब हुई थी? गांधी जी की गंगाबाई से पहली मुलाकात, ऑप्शन ए सही है, 1915 में गांधी जी की गंगाबाई से पहली मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कहा गया है कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है? इस ये वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है, हिंद स्वराज्य गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें लिखा गया कि चरखे से इसका सही आंसर चार नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सर्वोदय जो पुस्तक थी उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की कंगालियत चरखे से मिट सकती है। 37वां, इनमें से किस एक के साथ गांधी जी के मतभेद थे? इसका सही उत्तर है, सही इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गांधी जी के मतभेद थे, ऑप्शन ए सही है 37 का, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, बैतूल जेल से गांधी जी को पत्र किसने लिखे थे? तो इसका सही उत्तर भी मोहम्मद अली जिन्ना ही है, जिन्होंने बैतूल जेल से गांधी जी को पत्र लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस स्टेशन पर गांधी जी को मालगाड़ी से उतारा गया है, ये उतारा गया था? ये क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेल के जो फर्स्ट डिब्बे में बैठे थे वहां से उतार दिया गया था। ये क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित है, तो इसमें राजस्थान में जो कोटा स्टेशन है वहां से गांधी जी को मालगाड़ी से उतार दिया गया था। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का तीन जो आंसर है तीन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है पलवल, ऑप्शन तीन, पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी के किस राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी? हम जानते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था,
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी के पंजाब में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। सही आंसर है एक, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हिंदू नेता को दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन चार, महात्मा गांधी, क्योंकि हमारी परीक्षा महात्मा गांधी से संबंधित है, और जैसा कि इसका सही आंसर है 42 में ऑप्शन चार, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 43, रोलेट बिल की बिल पर चर्चा करते हुए गांधी जी विधानसभा की बैठक में कितनी बार गए थे? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन तीन, गांधी जी 3 बार विधानसभा की बैठकों में गए थे। अगला क्वेश्चन है 44, आइस डॉक्टर किसका उपनाम था? आइस डॉक्टर के नाम से सही उत्तर है ऑप्शन ए, केलकर, जो गांधी जी के सहयोगी थे केलकर, उनको आइस डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन एक सही है 44 में, केलकर। 45वां, पाटीदार गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित थे? हम जानते हैं गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे गुजरात में, पाटीदार समाज मुख्य रूप से गुजरात में रहता है, और गुजरात का जो खेड़ा आंदोलन था उसमें मुख्य रूप से पाटीदार किसान गांधी जी के आंदोलन से जुड़े थे। 45 का सही आंसर ऑप्शन दो, खेड़ा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के खेड़ा आंदोलन में निम्न में से किसे गिरफ्तार किया गया था? तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन दो सही है, खेड़ा आंदोलन गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि वहां की वारदोली में जो महिलाएं की उस समय दी थी। खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस सहयोगी को प्याज चोर की पदवी दी थी? गांधी जी किस अपने सहयोगी को प्याज चोर कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, मोहनलाल पंड्या को गांधी जी प्याज चोर के नाम से पुकारते थे। खेड़ा की लड़ाई का विस्तृत इतिहास किसने लिखा था? खेड़ा की जो लड़ाई हुई थी उसका विस्तृत इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, मगनलाल गांधी के द्वारा खेड़ा की जो लड़ाई थी उसका इतिहास लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने अहमदाबाद आंदोलन के समय गांधी जी के साथ उपवास किया था? तो गांधी जी की जो सहयोगी थी अनसुईया बहन, उन्होंने गांधी जी के जो अहमदाबाद आंदोलन था उस दौरान गांधी जी के साथ सहयोग किया था। तो अहमदाबाद में गांधी जी के साथ अनसुईया बहन ने उपवास किया था। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद आंदोलन में मिल मालिक और मजदूरों के बीच किसे पंच बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, आनंद शंकर ध्रुव को अहमदाबाद आंदोलन में जो पंच थे पंच बनाया गया था। 50वें का एक सही है, आनंद शंकर ध्रुव को अहमदाबाद मिल मजदूरों के बीच पंच बनाया गया था। ऑप्शन ए सही, आनंद शंकर ध्रुव। किस गांव में गांधी जी का प्रसिद्ध आश्रम था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन चार, बीजापुर कर्नाटक में, जो जहाँ की खादी प्रसिद्ध थी वहां पर गांधी जी का एक प्रसिद्ध आश्रम था। 51 में ऑप्शन चार सही है। अगला क्वेश्चन है, नेटाल के गिर मिटिया मजदूरों पर लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर कब हटाया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1913 में गिर मिटिया मजदूरों पर लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर हटा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने ऋषिकेश में क्या देखा? गांधी जी जब ऋषिकेश की यात्रा कर रहे थे वहां पर गांधी जी ने क्या देखा था? तो वहां पर गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय जो गुरुकुल था उसको देखा था। 54 का सही उत्तर है ऑप्शन दो, गुरुकुल गांधी जी ने ऋषिकेश में देखा था। अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय आश्रम में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो ऑप्शन दो सही है, केलन बेग टॉलस्टॉय आश्रम में गांधी जी के सहयोगी थे। 55 का सही आंसर है ऑप्शन दो, केलन बेग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की शॉर्ट हैंड राइटर कौन थी? गांधी जी की शॉर्ट हैंड राइटर कौन थी? इसका सही आंसर है जो
अनसुईया बेन थी वो गांधी जी की शॉर्ट हैंड राइटर थी, जो गांधी जी द्वारा लिखी गई बातों को शॉर्ट में लिख देती थी। इसका सही आंसर है अनसुईया बेन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका कन्यादान देने का सौभाग्य गांधी जी को मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, मिस स्लेसिन का कन्यादान गांधी जी के द्वारा किया गया था। 57 का सही आंसर है ऑप्शन दो, मिस स्लेसिन। अगला, गांधी जी ने काशी की यात्रा पर आख्यान किस वर्ष सुना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, 1891 में गांधी जी ने काशी की यात्रा पर विषय पर आख्यान सुना था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का किस वर्ष लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, 1906 में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। 59 का सही उत्तर ऑप्शन तीन। अगला, गांधी जी ने कार्लाइल की कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभूतियां और विभूति पूजा। ये जो कार्लाइल की पुस्तक थी, इसका अध्ययन गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है हमारे जो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।